ऐसा नहीं रहेगा कोई नर नारी, ऐसा नहीं रहेगा कोई नर नारी, ऐसा नहीं रहेगा कोई नर नारी, ऐसा नहीं रहेगा कोई नर नारी। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से हमारे सूरजगढ़ बोहाना और सिंघाना क्षेत्र को जोड़ने के लिए ज्ञापन दिया है। इसके लिए हमने सत्याग्रह शुरू कर रखा है। 1 तारीख से हमने सत्याग्रह शुरू किया था, गांव-गांव ढाणी-ढाणी हम लोग गए हैं, सभी लोगों से हमने बात की है, सभी लोगों को हमने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। घर घर में त्राई है पानी की और हर व्यक्ति परेशान है। एक टैंकर के 500 से 600 रुपए लगते हैं, हर घर में टैंकर आ रहा है। एक गरीब के लिए डबल मार हो गई, पहली मार पानी की है, दूसरी मार 500-600 रुपए की है, तो वो पानी से तो त्रस्त है ही, साथ में कर्जवान भी होता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है और इसकी तरफ ना सरकार ध्यान दे रही है, ना हमारे यहाँ के उदासीन नेतृत्व ध्यान दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जागृति आए और हमारे क्षेत्र का इस और ध्यान जाए और सरकार की हम आंखें खोलें और हमारे क्षेत्र को पानी से जोड़ा जाए। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना झुंझुनू में आ चुकी है 10 साल पहले। हमारी ये डिमांड बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, सरकार के लिए छोटा सा काम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। हमारे क्षेत्र के लिए पानी की त्राही है, उसके लिए ये बहुत बड़ा कार्य है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस परियोजना से हमें जोड़ा जाए। अगर 30 तारीख तक नहीं जोड़ा जाता है, 1 तारीख से हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे यहाँ पर, और जब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा जब तक कुंभाराम दीप्त परियोजना से हमारे क्षेत्र को नहीं जोड़ा जाएगा।